हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव शिक्षक ट्यूब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जो लोग खास यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। और आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिस सेट डेली दोपहर 12:05 पे लाइव शिक्षक ट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा डेली, और उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर आपके 15 से 20 मार्क्स आते हैं तो आपको कैटेगरी ए मिलेगी। अगर 10 से 15 मार्क्स तो कैटेगरी बी, 5 से 10 मार्क्स तो कैटेगरी सी, और बाकी 5 से नीचे वालों को कैटेगरी डी मिलेगी। तो दोस्तों, कैटेगरी इसलिए डिवाइड की जाती है ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो दोस्तों, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूँ, उस प्रश्न को एक नंबर दे दीजिए, और जो अगर आपका गलत हो जाता है तो इसको 0 मार्क्स दे दीजिए। लास्ट में अपन टोटल करेंगे कि स्टूडेंट का कितना मार्क्स है। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, हमारे चैनल पर सुबह रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट होता है 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे ये प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाता है। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है दोपहर 12:05 पे, जो आप अभी देख रहे हैं। करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है शाम को 4 बजे। ये कभी करंट अफेयर्स का हो जाता है या कभी मैथ्स का हो जाता है, जो यूपी पुलिस, एसबीआई या रेलवे ग्रुप डी, तीनों के लिए होता है। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही प्रैक्टिस सेट देखें, ये ना कि कहीं आप तैयारी यूपी पुलिस की कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आंचार झील, ऑप्शन बी है सूखना झील, ऑप्शन सी है अष्टमुड़ी झील, और ऑप्शन डी है बैकाल झील। तो दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बैकाल झील। इसके साथ आपको अगर प्रश्न सही है तो एक नंबर दे दीजिए, गलत है तो 0 मार्क्स। लास्ट में अपन टोटल कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रहेगा आपका पंडित नेहरू, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका नेल्सन मंडेला, और ऑप्शन डी रहेगा आपका राज बिहारी। तो दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, मतलब किसकी समाधि है शांतिवन। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखिए आप इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री की, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका राजीव गांधी की। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजीव नेहरू की। जो शांतिवन नाम, इसका जो समाधि का नाम शांतिवन दिया है उस, तो वो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। हमारे पास ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटा ग्रह है। हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है मंगल ग्रह है, ऑप्शन बी रहेगा आपका शनि ग्रह है, ऑप्शन सी रहेगा आपका बुध ग्रह है, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका नेपच्यून। तो दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है तांबा और जस्ते का, ऑप्शन बी रहेगा आपका निकेल और तांबे का, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका लोहा और जस्ते का, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका लोहा और निकेल का। तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड लोहे और निकल का बना है, तो इसका आंसर देखिए याद रखिएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकल। क्वेश्चन नंबर 7, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी रहेगा आपका भाद्रपद, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका माघ, और ऑप्शन डी रहेगा आपका वैशाख। तो दोस्तों, शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिंगरौली में, ऑप्शन बी रहेगा आपका बिहार में, ऑप्शन सी रहेगा आपका
कानपुर में, और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल है वो सिंगरौली में पाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रश्न सही हो रहा है उसका ही एक आंसर दे, आपके पास कोई नहीं है अभी तो आप अपना टेस्ट इसी प्रकार दे, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप खुद से चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जापान की मुद्रा क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है येन, ऑप्शन सी है डॉलर और ऑप्शन डी है टका। तो दोस्तों जापान की मुद्रा है वो है येन, रुपया श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान की मुद्रा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, विश्व का सबसे गर्म देश कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है अल्जीरिया। तो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे गर्म देश है वो है अल्जीरिया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 10, 11, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में वृत्त के भीतर मछलियों की संख्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसके वृत्त के अंदर मछलियों की संख्या 2 है, याद से ढंग से देखिएगा, क्योंकि जो अपने राजकीय चिन्ह होते हैं और झंडा होता है उससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका चंडीगढ़, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल और ऑप्शन सी रहेगा आपका पंजाब और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका केरल। तो दोस्तों अल्पना भारत के पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, दास कैपिटल किसके प्रसिद्ध पुस्तक है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए रहेगा कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी रहेगा इंदिरा गांधी की और ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका चाणक्य की और ऑप्शन डी रहेगा आपका नेल्सन मंडेला की। तो दोस्तों दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की है। और क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुक्स जीके, पुस्तक जीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके साथ बताता हूँ आपको कि जो स्पोर्ट्स जीके है उससे आते हैं, वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके, इन चारों को अच्छी तरह तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि तोड़ती है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए है बाबा अल मंदेब, ऑप्शन बी है होरमुज, ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका बोस्पोरस और ऑप्शन डी रहेगा आपका मलक्का। तो दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को बाबा अल मंदेब नामक जल संधि तोड़ जोड़ती है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए रहेगा आपका कजाकिस्तान में, ऑप्शन बी रहेगा आपका तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी रहेगा उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी रहेगा चीन में। तो दोस्तों टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, याद रखिएगा टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, खनिज क्या है? हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है आपका द्रव, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों आपका अकार्बनिक ठोस, ऑप्शन सी रहेगा आपका गैस और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका सभी। तो दोस्तों खनिज है जो ऑप्शन बी रहेगा इसका अकार्बनिक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, ये जो क्वेश्चन था वो जनरल साइंस का था, मैं आपको बता दूं हिंदी भी आ रहा है, तो कहीं ये मत सोचिएगा आप कि हिंदी आ नहीं रहा। बहुत से स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है यूपी पुलिस के रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह पट्टा जिसमें तीसरा पक्ष ऋणदाता शामिल होता है क्या कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए प्रत्यक्ष पट्टा, ऑप्शन बी है बिक्री एवं पट्टा वापसी, ऑप्शन सी है लिवरेज्ड पट्टा और ऑप्शन डी है विपरीत पट्टा। तो दोस्तों लिवरेज्ड पट्टा है वो उसमें क्या होता है कि तीसरा पक्ष ऋणदाता शामिल होता है, ठीक है, लिवरेज पट्टे में। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स भी आपके आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा सुरक्षा बल BSF जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है की कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे पास ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वर्ष 1835 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1939 में और ऑप्शन सी है दोस्तों आपका वर्ष 1965 में और ऑप्शन डी है दोस्तों वर्ष 1971 में। तो दोस्तों BSF का की स्थापना BSF बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, उसकी स्थापना नई दिल्ली वाले मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, एक किले में कनाल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों
ये जो क्वेश्चन है वो हरियाणा वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2 कनाल, ऑप्शन बी है 4 कनाल, ऑप्शन सी है 8 कनाल और ऑप्शन डी है 16 कनाल। तो दोस्तों 1 किलो होता है उसमें 8 कनाल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो, ताकि आपको मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं वो आपको पहुंच जाए। इसके साथ आपको करना क्या है कि आपका जो भी दोस्त है जो आपके साथ पढ़ रहा है, आपको लगता है कि वो उसकी तैयारी की जांच करते हैं, तो दोस्तों मेरा वीडियो उसको दिखाओ और उसके बाद उसके मार्क्स जोड़ो, अपने मार्क्स जोड़ो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उससे पूछो कि भाई मेरे को भी हेल्प कर। और दोस्तों अकेले पढ़ने में जितना मज़ा है और जितनी तैयारी होती है उतना ग्रुप्स में नहीं होती। कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अपने अकेलेपन में तैयारी कीजिए। इसके साथ मैं बताता हूँ कि आपके इसमें जितने भी मार्क्स आते हैं वो आप कमेंट करिए और दूसरे स्टूडेंट के भी मार्क्स देखिए कि किसके कितने आ रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। सीलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर में किस नदी के किनारे बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है झेलम नदी, ऑप्शन बी है रवि नदी, ऑप्शन सी रहेगा आपका चिनाब नदी और ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों आपका बिस नदी। तो दोस्तों सीलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे बनाया गया है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब आपको करना है क्या है, सब्सक्राइब का नीचे बटन है देखो सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जैसे भी अपलोड करूँ आपको पहुँच जाए। उसके साथ दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो उस पे अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके साथ दूसरी साइड में आपको जो ये वीडियो दिख रहा है ये है आपका वो क्या बोलते हैं पीछे वाला प्रैक्टिस है, और नीचे वाला वीडियो है वो इंडिया जीके का है। आपको बता दूं इंडिया जीके से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।